सर्वे भवन्तु सुखिनम्, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सभी व्यूअर्स को कावर शर्मा का नमस्कार। आज के मेरे वीडियो ना किसी खास दिन को लेकर है और ना किसी इवेंट को लेकर, बल्कि आपकी, मेरी और पूरे देश की सुरक्षा को लेकर है। आप सब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछले एक साल से हम कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहे हैं। अभी भी इसका खतरा कम नहीं हुआ है। 2020 में इस बीमारी के चलते बहुत से लोगों ने अपने जीवन से हाथ धो लिया, परंतु 2021 में कोरोना वैक्सीन इजाद कर ली गई। रूस, चीन, भारत और यूएसए में इस वैक्सीन पर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। आई फील वेरी प्राउड दैट इंडिया हैज डेवलप्ड द वैक्सीन ऑफ कोरोना, बट अभी तक लोगों में इसे लेकर जागरूकता का अभाव है। चलिए अब हम ब्रीफली यह जान लेते हैं कि इंडिया ने कौन कौन सी 3 वैक्सीन बनाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन की। इसे तैयार करा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने। भारत ने एस्ट्राजेनेका के करार के तहत पुणे की कंपनी इसे तैयार कर रही है। दूसरी है स्वदेशी कोरोना कोवैक्सीन। इसे ICMR के नेशनल वायरोलॉजी संस्थान की मदद से हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी विकसित कर रही है। यह एक तरह की इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। और तीसरी वैक्सीन है जायकोव डी वैक्सीन। इसे भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायरस कैडिला विकसित कर रही है। यह एक तरह की DNA आधारित कोरोना वैक्सीन है। भारत में इन तीनों वैक्सीन्स का ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और लोगों को यह वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसका ह्यूमन ट्रायल सफल रहा है। यह वैक्सीन इंडिया से बाहर भेजी जा रही है। भारत में यह वैक्सीन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी भेजी है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है। मेरी हाथ जोड़कर आप सब से रिक्वेस्ट है कि देश में बनाई वैक्सीन पर भरोसा रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। याद रहे 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे है, तो अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाएं व कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। Till everyone is vaccinated, let's not forget our responsibilities. Even after receiving the COVID-19 vaccine, continue taking all precautions like wash your hands, wear your mask, and keep social distancing. Always be positive. Thank you and have a nice day.